हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर तीन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत ध्यान से आप इन तीनों नंबर्स को देखिए। जो नंबर आपको पसंद आ रहा है, जो तस्वीर आपको अच्छी लग रही है, चुन लीजिए। आज हम देखने जा रहे हैं आपके भाग्य में क्या लिखा है। ये तो जो होगा आने वाले समय में आपको पता ही चल जाएगा। टॉपिक आज का ये होगा कि अब आपके सामने आगे आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, आने वाला समय कैसा होगा, यानी आपके भाग्य में क्या लिखा है, आने वाले वक्त में ईश्वर आपके सामने क्या लेके आने वाले हैं। आपके कर्म ही सब कुछ डिसाइड करते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है, आज भी कहूँगी और हर वक्त हर समय मैं यही कहूँगी, भाग्य आप खुद बनाते हैं। आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आपको जीवन में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो आप जैसा भाग्य अपना बनाएंगे, वही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। आपका कर्म जैसा होगा वो आपका भाग्य बनेगा। तो कर्म ही विशेष है, कर्म ही प्रधान है। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा होगा। हो सकता है कुछ वक्त के लिए आपको उसमें खुशी मिले, वो वक्त आपका कुछ दिन के लिए भी हो सकता है, कुछ सालों के लिए भी हो सकता है, लेकिन परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो बुरे कर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। तो इससे आपको कभी ये नहीं सोचना है कि आपको सजा मिल रही है। जब भी जीवन में कुछ भी ऐसा हो, आपको लगे कि ये बहुत ही बुरा समय आपके जीवन का है, तो ये एक्सेप्ट कर लीजिएगा कि आपकी खुद के कर्मों का ही फल है। ठीक है। अब ये कभी कभी क्या हो जाता है ना कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने इस लाइफ में कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है, फिर भी उन्हें बुरा वक्त देखने को मिलता है। तो ये आप समझ लीजिएगा, ये आपकी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है जो आप इस जन्म में अपना जो भी कष्ट आप झेल रहे हैं उसकी वजह से आपको मिल रहा है। लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि पूरा जीवन आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। जिस वक्त आपका ये सब जो आप काट रहे हैं अपना पुराना कर्म पूरा हो जाएगा, आपके जीवन में भी रोशनी हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। इसलिए कभी भी आपको परेशान नहीं रहना है जीवन में, हमेशा खुश रहना है। समय हमेशा बदलता रहता है, बदलते समय का इंतज़ार करना है आपको। आपके सामने यहाँ पर तीन तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आने वाला समय आपका कैसा होगा, आपके भाग्य में क्या लिखा है, आने वाला वक्त आपको कौन से दिन दिखाने वाला है, क्या कुछ है आने वाले समय में आपके लिए। तीन नंबर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सनलाइट टीएल वंदना, आइए हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है आपका आने वाला वक्त कैसा होगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सनलाइट टीएल वंदना सेम नेम से। आपको हम वहाँ पर भी मिलेंगे, आप वहाँ पे हमसे बात भी कर सकते हैं, लेकिन मैसेज के ज़रिए। अगर हम कभी आप मतलब वहाँ एक्टिव रहें और आपका मैसेज आया तो अगर संभव रहा तो ज़रूर, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी तो नया आईडी बनी है तो फॉलोअर कम है, कम ही लोग अभी वहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तब तो मैं आपकी मैसेज का रिप्लाई कर सकती हूँ। लेकिन जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे तब आप भी समझ सकते हैं कि कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ भी है, जब स्टार्टिंग में हम वीडियो डालते थे तो बहुत कम लोग थे, 2 या 4, 5, 10, ऐसे करते करते फैमिली कब 10 से 20, 25, 30, कब 1 लाख 2 लाख बढ़ गए पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, हमारा आपका जो कनेक्शन था, जो हम मैसेज में रिप्लाई कर लेते थे, कमेंट में रिप्लाई हो जाता था, बातें हो जाती थी, अब थोड़ा सा कम हो गया है। क्योंकि अभी बातें करो फिर जो कमेंट होता है वो स्किप हो जाता है, फिर और कमेंट्स आ जाते हैं। तो आप भी समझ रहे हैं कि कहाँ से इतने सारे कमेंट्स को हम पढ़ पाएंगे। पढ़ते तो वैसे सारे कमेंट्स हैं लेकिन रिप्लाई कर पाएँ ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो वही बात है, अभी इंस्टा पर हम नए हैं तो वहाँ पर बहुत कम ही लोग जुड़े हैं हमसे। तो अभी अगर जो लोग भी जुड़े हैं उनसे बातें हो जा रही हैं, क्योंकि हम वहाँ रहते हैं तो हम वीडियोस देखते रहते हैं, मैसेज आ जाता है, थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं वहाँ पे, जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हम सुनते हैं। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि हम वहाँ पे आपसे कोई पैसे चार्ज कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक दोस्त की जैसे हम वहाँ पे आपसे बातें कर रहे हैं, कुछ बातें जो हमें सही लगती हैं आपसे कि आपको बता दी जाएँ तो वो बता भी देते हैं। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि अब वहाँ पर हम आपको बातें करेंगे तो उसके लिए हम आपसे पैसे लेंगे, फीस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब फ्री, अभी तक हम आपसे कोई पैसे ना लेते हैं ना आने वाले वक्त में लेंगे। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा हो जाएगी लोगों की तो फिर वो मेरी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इतना वक्त तो मेरे पास भी नहीं होता है कि हम सबके लिए फ्री रीडिंग कर सकें। तो आपके सामने यहाँ पर तीन नंबर्स हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आइए देखते हैं आने वाले वक्त में आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी। फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड, तो यहाँ पे तीन नंबर आपको दिख रहे हैं, तीनों नंबर में से जो नंबर आपने चुना था बस उसी नंबर की रीडिंग को देखिएगा। जनरल रीडिंग है, देखना चाहते हैं बिल्कुल आप देखिए, फॉलो करना चाहते हैं बिल्कुल फॉलो करें, आपकी इच्छा है आप फॉलो करें या ना करें। आप चाहते हैं इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखना तो वो भी आप कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग नहीं है इसलिए आपको कोई गारंटी हम यहाँ पर नहीं देंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा, जो भी आपका दिल कहता है ज़रूर लिखा कीजिए। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट आने वाला समय आपका कैसा होगा, आपके भाग्य में क्या लिखा है। आने वाला समय तो आपका बहुत अच्छा है, एम्प्रेस का कार्ड आया है, आपकी लाइफ में दो चार चीज़ें होने वाली हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। अगर आप बेबी का वेट कर रहे हैं तो बेबी का वेट आपका ये जो इंतज़ार है वो पूरा होने वाला है, बहुत जल्द आपके जीवन में आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। और अगर आप अपनी शादी का सोच रहे हैं, एंगेजमेंट का सोच रहे हैं, कुछ भी मतलब आपका रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ेगा और बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। एम्प्रेस का कार्ड है, शादी की संभावनाएं बन रही हैं, आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, आपकी शादी तय हो सकती है, फिक्स हो सकती है। जीवन में ग्रोथ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में प्रगति होगी, ठीक है। और बहुत सारा मतलब खुशियाँ आप समझ लीजिएगा, आने वाला वक्त आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है, बहुत ही पॉजिटिव समय है। और आपके घर परिवार में भी कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें आप बहुत इन्जॉय करेंगे, हो सकता है आपके घर परिवार में किसी की शादी हो रही हो, आप वहाँ जाएं एंजॉय करें। माने आने वाला जो समय है आपके लिए पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। एम्प्रेस का कार्ड है मतलब समझ लीजिए कि आने वाले समय में आप बस एंजॉय करने वाले हैं, जीवन में खुश रहने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली हैं आने वाले वक्त में, वो कई तरीके से आ रही हैं आपके जीवन में। आप अगर शादी नहीं किए हैं तो आपकी शादी होने वाली है, आपके घर में शादी होने वाली है जिसमें आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। आप बेबी का वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो ये जो वेट आपका इंतज़ार जो है ये ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्द आपके घर में कोई नई खुशी आने वाली है और एक प्रगति होने वाली है आपके जीवन में। बहुत पॉजिटिव कार्ड है, आप सब कुछ कहें तो सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, हो सकता है इन पार्टी वार्टी करने के चक्कर में या ना आप अपना वेट बढ़ा लें, ये भी हो सकता है। तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और ये एक आध किलो बढ़ भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ जाए और आप परेशान रहते हैं अपने बढ़े हुए वेट से तो आपके लिए थोड़ा सा है कि ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कि आने वाले समय में आप इस चीज़ पे ध्यान ना दें और अचानक से आपको लगे कि आपका तो वजन बढ़ गया, ठीक है। नंबर से फर्स्ट था ये हमारे लिए, आइए देखते हैं नंबर सेकेंड। तो जिसने भी नंबर सेकेंड को चुना है जानते हैं आपके जीवन में आने वाला समय कैसा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है, लेकिन उससे पहले अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए जानते हैं हम, टेन ऑफ कफ की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं भाई आज तो सबके लिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं, जो रिश्ते बिगड़े हुए हैं हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ गए थे, अच्छा समय नहीं बिता पाए थे फैमिली के साथ, एंजॉय करेंगे अपने घर परिवार बच्चों के साथ, एंजॉय करेंगे अपने परिवार वालों के साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये जो खुशियाँ आई हैं इसके पीछे आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, किन कारणवश ये खुशियाँ आपके जीवन में आई हैं। तो शुक्रिया हमेशा करते रहिएगा, धन्यवाद करते रहिएगा ईश्वर का। कभी भी जीवन में घमंड को मत स्थान दीजिएगा, क्योंकि जहाँ घमंड स्थान लेता है वहाँ से समझ लीजिएगा सब कुछ ख़त्म होने लगता है, ठीक है। रिश्ते टूट जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं, तो एक साधारण सा इंसान बन के रहिए जीवन में, खुश रहेंगे हमेशा, ये खुशियाँ बनी रहेंगी आने वाले वक्त में। टेन ऑफ कप की एनर्जी है, काफ़ी इन्जॉय करने वाले हैं। 10 महीने तक तो आपके जीवन में कुछ भी मतलब आने वाले वक्त तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन 10 महीने तक तो आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं लाइफ में। आगे का समय हम आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल लग रहा है कि आप बहुत खुश रहने वाले हैं काफ़ी समय। मतलब आपके मन में हमेशा रहता होगा ना कि अभी तो बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या होगा आने वाले समय में। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी वाली है कि जैसे बहुत पॉजिटिव सब कुछ हो रहा होता ना तो आपके मन में एक टेंशन हो जाती है कि यार सब कुछ पॉजिटिव हो रहा, कहीं नज़र तो नहीं लग जाएगी। क्योंकि आजकल ये बहुत चलन में हो गया है, हर दूसरे व्यक्ति को देखो तो उसको बस दूसरे से अपना दुख शेयर करना, उसको लगता है अगर हम खुशी शेयर करेंगे तो उसको नज़र लग जाएगी। तो ये पता नहीं कहाँ से निकला, क्या निकला है कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं कि सामने वालों से बस आपको दुख शेयर करना है, खुशी शेयर नहीं करनी है। अगर खुशी शेयर करेंगे तो उसको नज़र लग जाती है, अच्छी बातें नहीं बतानी है, बुरी बातें बतानी है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही गलत तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया और किसी ने कहाँ से किसको क्या वायरल कर दिया कि मुझे आजकल जो लोग मिल रहे हैं वो अक्सर मैंने देखा उनका यही था कि जब मैं खुश रहती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि अगर मैं किसी से शेयर करूँगी तो फिर सब कुछ दुखी दुखी हो जाएगा। तो दुख शेयर कर रहे हैं, जो आप शेयर करेंगे ना, जो आप देंगे ना, वही आपको मिलेगा। ये नियम है और ये नियम को कोई बदल नहीं सकता है, ये होता रहा है होता रहेगा, ये शाश्वत सत्य है।
जो आप देते हैं वो आपको मिलता है, सामने वालों को आप जो दे रहे हैं वो आपको वापस मिलेगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ पर विशेष ध्यान दिया कीजिए। अगर आप लॉ अट्रैक्शन को मानते हैं, अगर आप अफर्मेशन लिखते हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें पलट के वापस आती हैं। तो वही चीज़ है कि अगर आप लोगों को जीवन में अच्छा चल रहा है लेकिन आप बता रहे हैं दुख, समझ रहे हैं इस चीज़ को, समझ गए होंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा समझा भी नहीं सकते, लेकिन आने वाला जो वक्त है आपका बहुत अच्छा है। 10 आपका की एनर्जी है, रिश्ते सुधरेंगे, बहुत सुधरेंगे, बहुत खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे। जैसा भी दिख भी रहा है कि आने वाले समय में फेस्टिवल ही आने वाले हैं, हम गर्मी से ठंड की ओर बढ़ रहे हैं। अब जैसे ठंड की ओर जाते हैं, जैसे विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो फेस्टिवल सीजन भी स्टार्ट हो जाता है। तो अब लगभग समझ लीजिए एंजॉय करने वाला समय आ रहा है, तो एंजॉय कीजिए और लोगों को जो बांटेंगे वही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम देखते हैं नंबर 3, हमें क्या पता चलता है कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आ रहा है। उससे पहले अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, 8 of Wands का कार्ड आपके लिए आ रहा है। तो आने वाला समय आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका करियर बहुत अच्छा रहने वाला है, तो उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, करियर के ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत बदलाव, बहुत चेंज और बहुत जो मौके आप तलाशते रहते हैं कि मौका नहीं मिला मुझे, मौका नहीं मिला। मौके का फ़ायदा आप तब उठाएंगे जब आप तैयारी किए रहेंगे, तो तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आने वाला जो वक्त है बहुत सारे मौके लेके आएगा। आपको साबित करना है कि आप उस काबिल हैं या नहीं हैं। तो 8 of Wands हमें यही बता रहा है, जीवन में आपकी जो है ग्रोथ है ना वो बढ़ेगी, प्रगति होगी आपकी जीवन में, जो भी चीज़ें हैं उसने कहते ना बढ़ेगा, वो घटेगा कुछ नहीं, पॉजिटिव तरीके से समझिएगा इस बात को। आने वाला समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा अभी से। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यही संदेश है कि अपने करियर पर फोकस कीजिए, चाहे जो आप करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर आपने दुकान खोली है या जो भी काम आप करते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, उस काम पे ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव तरीके से। नेगेटिव मत सोचा कीजिए आप ज़्यादा, अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो फायर एनर्जी है, उसी एनर्जी में रहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।